फ्रेंड्स, गेट रेडी टू स्केरी में आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रीपी पास्ता के एक फेमस कैरेक्टर जेन रिचार्डसन के बारे में, जिसे आमतौर पर जेन द किलर के नाम से भी जाना जाता है। जेन एक सीरियल किलर है जो इंसानों को जेफ द किलर का शिकार होने से बचाने के लिए उन्हें मार देती है। जेन द किलर यह चाहती है कि कोई भी इंसान जेफ द किलर का शिकार ना बने, और अगर कोई इंसान जेफ द किलर का शिकार बनने वाला होता है कि उससे पहले ही जेन उस इंसान को मार देती है। जेन द किलर ऐसा इसीलिए कर रही है क्योंकि जेफ द किलर ने उसके पेरेंट्स को बड़े ही बेरहमी से मार डाला था। तो फ्रेंड्स, जेन रिचार्डसन एक आम लड़की से जेन द किलर कैसे बनी, इसके बारे में जानने के लिए बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। सो लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जेन द किलर के पास्ट के बारे में जानते हैं कि यह पहले कैसी थी और इसके साथ क्या हुआ था। यह बात है 2005 की। उस समय जेन रिचार्डसन एक ऐसे शहर में रहती थी जहां जेफ द किलर का आतंक मचा हुआ था, लेकिन फिर भी वह शांति से अपने परिवार के साथ अपनी ज़िंदगी बिता रही थी। उसके पास बिल्कुल एक आम लड़की की तरह ही कई सारे दोस्त और एक अच्छी सी नौकरी थी, और उसने अपने फ्यूचर के बारे में काफ़ी कुछ सोच रखा था। लेकिन 2006 में उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई जब उसके माता पिता को जेफ द किलर ने बड़े ही बेरहमी से मार डाला था, जिसके बाद जेन पूरी तरह से टूट गई और उसका इस दुनिया में उसके बहन के सिवा और कोई नहीं बचा। और फिर उसके बाद जेन को अपना और अपने बहन का गुजारा करने के लिए काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ा और पैसे कमाने पड़े। कुछ सालों बाद सरकार ने 25 लोगों पर लिक्विड हेट इंजेक्शन का इस्तेमाल किया, यह सोचकर कि किसी पर तो यह काम करेगा, लेकिन किसी पर यह काम नहीं किया और सभी मर गए। जिसके बाद इस एक्सपेरिमेंट के लिए जेन को चुना गया। लिक्विड हेट एक बहुत ही जोखिम भरा केमिकल फार्मूला है जो इंसानों के सेंस और सभी एक्टिविटीज को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। इससे इंजेक्ट होने के बाद सब्जेक्ट 1.5 मिनट के लिए काफ़ी ज़्यादा हिंसक और इंसानों को मारने के बारे में सोचता है, और फिर उसके बाद अपना काम करना शुरू कर देता है जेन को अपनी और अपनी बहन का गुजारा करने के लिए। और अधिक पैसों की ज़रूरत थी, और यह मानते हुए कि वह सिर्फ ब्लड डोनेट कर रही थी, वह सहमत हो गई। जेन लिक्विड हेड से बचने वाली पहली इंसान थी, जिसके बाद जेन की स्किन का कलर पाउडर की तरह सफ़ेद हो गया और उसके बाल काले हो गए, साथ ही उसकी आंखें भी, और उसके अंदर कई सारे पावर्स आ गए, जिसके बाद उसने अपना नाम जेन द किलर रख लिया। और सरकार ने उसे शहर में मौजूद सभी क्रिमिनल्स को ख़त्म करने के लिए कहा, क्योंकि सरकार उसे इसके लिए पैसे देती है। लेकिन जेन द किलर का मेन मिशन है जेफ द किलर को मारना या फिर उसके शिकार को मारना। जेन के अपीयरेंस के बारे में बात करें तो लिक्विड हेट इंजेक्शन लगाने से पहले जेन के सुनहरे बाल और नीली आंखें थी, साथ में गोरी त्वचा, लेकिन लिक्विड हेट इंजेक्शन के साइड इफेक्ट के बाद उसकी स्किन वाइट हो गई और उसके पहले के सुनहरे बाल और नीली आंखें कोयले की तरह काली हो गई, जिसके बाद जेन को ज़्यादातर ब्लैक ड्रेस और काले मोजे के साथ हाई हील्स के जूते पहने हुए देखा गया है। हालांकि उसे कभी कभी ब्लैक जीन्स, ब्लैक हुडी और अंडरशर्ट के साथ ब्लैक स्नीकर्स भी पहने हुए देखा गया है। जेन पहले काफ़ी ज़्यादा खुश, दयालु और अच्छी लड़की थी जो अपने परिवार को खुश करने के अलावा और कुछ नहीं चाहती थी, लेकिन अपने अंदर चेंजेस के बाद वो अभी भी अपने अच्छे स्वभाव को बनाए रखती है। लेकिन जब वह गुस्सा होती है तो वह और भी ज़्यादा गुस्सा और हिंसक हो जाती है। हालांकि वह केवल मर्डरर, रेपिस्ट और सीरियल किलर के प्रति हिंसक होती है, और जेन द किलर की मेन दुश्मन है जेफ द किलर। और जेन द किलर यह नहीं चाहती है कि कोई भी इंसान जेफ द किलर द्वारा मारा जाए, इसीलिए जेन उस इंसान को पहले ही मार देती है। लिक्विड हेट इंजेक्शन के इफेक्ट के कारण
जेन के अंदर कई सारी सुपर नेचुरल पावर्स आ गई, जैसे उसकी दिमाग काफ़ी तेज हो गई, साथ ही उसकी दौड़ने की क्षमता भी बढ़ गई। जेन द किलर किसी भी इंसान का मिमिक्री कर सकती है और उसे झांसा दे सकती है, और उसके अंदर एक ऐसा पावर आ गया जिससे वह अपने बॉडी के किसी भी कटे हुए पार्ट्स को फिर से रीजनरेट कर सकती है। और जेन द किलर क्रीपी पास्ता की एक ऐसी कैरेक्टर है जो किसी भी मासूम की हत्या नहीं करती है। तो फ्रेंड्स, यह था जेन रिचार्डसन की कहानी कि कैसे वह एक नॉर्मल लड़की से जेन द किलर बन गई। सो फ्रेंड्स, आप जेन द किलर के बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आप ऐसे ही और वीडियोज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल गेट रेडी टू स्कैरी को अभी सब्सक्राइब कर लें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।